नमस्कार, हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा। आज हम मौजूद हैं एमबी मिस हिमाचल 2021 की विनर्स के साथ। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? बहुत ही अच्छी जर्नी रही हमारी यहाँ पे। हमने बहुत से न्यू फ्रेंड्स बने और बहुत ही खास फ्रेंड्स बने और डेफिनेटली फ्रेंडशिप आगे तक चलेगी। हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ की, रिवर राफ्टिंग एंड ट्रैकिंग, कैंपिंग। सो बहुत ही अमेजिंग रही अभी तक की। आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं इस पेजेंट में पार्टिसिपेट करूँ? I think for me modeling is my passion and I think when we do what we love then I think we give our 100% to that. यहाँ पे जो आपका ये इवेंट हुआ, इसमें आप बताएं कि तीन दिन में आपने क्या किया, कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ये जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया था तो बहुत ही अमेजिंग था। टीम वर्क था, हम सब थे और ऑफ कोर्स मैम, सर, एवरीवन वाज सो ग्रेट एंड वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर। एक्सपीरियंस वॉज रियली रियली ग्रेट। आई थिंक ऐसे ज़्यादातर पैटर्न्स होते नहीं हैं जहाँ पे आपको कैंपिंग कराए, एक्टिविटीज़ कराए और एक नई साइड देखने को मिली है मुझे भी अपनी। आई एम कॉन्फिडेंट और बहुत मज़ा आया। वी हैड सो मच फन। सो यस, इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारा कॉन्फिडेंस उभर के आया। एक टैलेंट होता है, वो सबके सामने हमने दिखाया, शो किया अपने आप को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और हमारी एक्टिविटीज़ थी बहुत मज़े की। हमने एक्टिविटीज़ में मतलब ये था कि फियर कम था और इन्जॉयमेंट ज़्यादा था। लाइक स्ट्रेस नहीं था कि हमें जीतना ही है, हमें जीतना है, हमें कर दिखाना है। लाइक इन्जॉयमेंट भी था, स्ट्रेस भी थोड़ा था जब फाइनल्स था। बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा किया। अभी इसके आगे आपके क्या प्लान्स हैं? सो मैं डेफिनेटली मॉडलिंग करना चाहूँगी, ये मेरा पैशन है। और आगे मैं फैशन शूट्स भी करना चाहूँगी या डेफिनेटली मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो मैं उसका यूज़ करूँगी। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको करनी चाहिए क्योंकि क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैं अपनी जो फर्दर स्टडीज़ है मैं वो करना चाहूँगी पहले कम्प्लीट, एंड उसके बाद डेफिनेटली आई वॉन्ट टू ट्राई इन मोर पैशंस और आई वॉन्ट टू रिप्रजेंट माई स्टेट। सो यस, मैं पहले अपनी कॉलेज की स्टडी कम्प्लीट करूँगी और मेरा एयर होस्टेस का एम है कि मैं एयर होस्टेस बनूँ, तो मैं एयर होस्टेस बनूँगी। साथ साथ मैं इसको भी कैरी ऑन करूँगी अपने मॉडलिंग को, क्योंकि मेरे पैशन है मॉडलिंग, फोटोग्राफी एंड अदर थिंग्स। सो आई विल कैरी ऑन दिस। बाकी लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जो भी लड़कियां हमें देख रही है और कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पे भरोसा करते हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। माई मैसेज टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर इज दैट बी कॉन्फिडेंट और अपने पे भरोसा करना सीखिए। इट्स ऑल इन द माइंड, फियर इज ऑल इन द माइंड एंड यू कैन ऑल डू इट। थैंक यू। मैं सभी लड़कियों को ये मैसेज दूंगी कि आप डरिए मत, कॉन्फिडेंस के साथ आइए। आप कोई भी पेजेंट शो जीत सकते हैं। बस एक कॉन्फिडेंस लाइए, ये मत सोचिए कि आप गांव से हो, आपकी स्टडीज़ अच्छी नहीं हुई है। बस ये देखो कि आप में टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है और आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आने से पहले कितना मुश्किल था आपके लिए ये, या आसान, किस तरह से आप आए उसके बारे में कुछ बताएं? आई थिंक सब कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, तो ये बहुत मुश्किल हुआ ढूंढना है कि कहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो आई थिंक यहाँ पे आए तो ये हमारा प्लेजर है और हम आई फील सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पेजेंट। ये प्लेटफॉर्म को ढूंढना और फिर अपनी फैमिली को बनाना, बट माई फैमिली वॉज एक्चुअली वेरी सपोर्टिंग। मैंने उन्हें जैसे ही बताया दैट यू नो आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस पैजेंट, सो दे इनकरेज मी दैट येस गो फॉर इट एंड आई वॉन्ट टू थैंक माई सिस्टर एंड माई मम्मा फॉर इनकरेजिंग मी। और हाँ, ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्यूटी पैजेंट। मुझे ऐसा लगता था दैट ब्यूटी पैजेंट्स आर ऑल अबाउट यू नो योर ब्यूटी एंड इट्स नथिंग मोर देन दैट, बट नाउ आई नो दैट इट्स मोर देन दैट। इट्स अबाउट ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड विद पर्सनैलिटी एंड विद अ गुड हार्ट एंड अ गुड सोल। सो यस, यहाँ इस शो के बारे में हमें ऑनलाइन पता चला है, इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट देखी, देन मैंने सोचा कि चलो अप्लाई कर लेते हैं बिकॉज मैं करती हूँ। इससे पहले मेरा एक मॉर्निंग शो था तो मैंने सोचा कि उन्हें ट्राई किया जाए, नहीं क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा था कि राफ्टिंग कराएंगे, रिवर राफ्टिंग, आपका फियर कम होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली जो हमें सच में सीखने के लिए मिली।
तो ये है कि मैं सभी गर्ल्स को ये कहूँगी, प्लीज़ इधर आइए, इधर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ना कि आपको मॉडलिंग के बारे में पता चलेगा, आपको टीम वर्क पता चलेगा, सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। बाकी पेशेंट जो होती हैं उनमें ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती है और इसमें जो है करवाई गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे हम अपने आप को जान पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं और नई चीज़ें सीख पाते हैं, तो आई थिंक ये होना चाहिए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम सबका। और थैंक यू सो मच, आई वांट टू थैंक दिस प्लेटफॉर्म कि उनने हमें ना कि सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सके, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वी हैव अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं, एंड यस इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमें यहाँ पे ना कि हमें स्ट्रेस दिया गया कि नहीं आपको जीतना है, आपको कुछ करना है, बल्कि हमें यहाँ से कुछ हटके मिला, अलग मिला हमें करने को, लाइक रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग। तो हमने एक दूसरे से इंटरेक्शन भी की, यहाँ तक कि हम सभी लड़कियों को एक दूसरे से बहुत अच्छी इंटरेक्शन होगी क्योंकि हम लोग रिवर राफ्टिंग में गए, हमने बात की एक दूसरे से, ना कि कोई बिजी रहा कि मुझे ऐसा करना है मॉडलिंग में, ऐसा पेजेंट में करना है, लाइक ये सब नहीं, एकदम मस्ती की हमने, बहुत अच्छा लगा जो देख के। लड़कियों को बहुत कम पेजेंट्स वगैरह में भेजा जाता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब लड़कियां आती है प्लेटफॉर्म में, पेजेंट्स में, तो उन्हें बहुत मौके मिलते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आ जाती है। अगर आप एक बार अपने आप को जानने लग जाओ और पार्टिसिपेट करो तो आप अपने आप को जानते हो और लाइफ में कुछ कर सकते हो। सो आई थिंक जो पैटर्न्स हैं उनको लेके इग्नोरेंस है, जो शायद मुझे भी थी, दैट ब्यूटी पैटर्न्स आर ऑल अबाउट ब्यूटी, बट नाउ आई नो दैट इट्स मोर देन दैट। और मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी बेटियों को इनक्रेज करिए आगे बढ़ने के लिए, और प्लीज़ आप उन्हें बोलिए कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, इससे ना कि आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी डिवेल्प होती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, बट आप अपने आप को ओवरऑल पहचान पाते हैं। तो प्लीज़ दैट्स माई मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर। पेजेंट्स में आके हमें हमारे बारे में पता चलता है कि हम में क्या कमी है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या हमने अच्छा किया, हमें अपने बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है कि हमें कितना कॉन्फिडेंस है और हम क्या कर सकते हैं। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूँगी, प्लीज़ अपनी बेटियों को भेजो, ये कोई गलत प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ से आपकी बेटी को पहचान भी मिलेगी, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। थैंक यू। अभी वैसे कोरोना चला हुआ है, वैसे पूरी तरह से अभी गया नहीं है, तो फिर भी इवेंट हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इवेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पर हम यहाँ पे जितने भी टाइम थे हमने अपने आप को सैनिटाइज़ किया, हमने मास्क लगाए थे, हम पूरा ध्यान रख रहे थे कोविड का, बिकॉज आई थिंक अगर हम एक साथ एकजुट होके करेंगे तो ही हम जीत सकते हैं इस कोविड को। यस, वी मेड श्योर टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स, हमने अपने मास्क पहने थे, हम सैनिटाइज कर रहे थे बार बार, एंड जहाँ पे ज़रूरत थी वी ऑल्सो केप्ट डिस्टेंस, सो हमने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किया, कुछ भी ऐसे प्रोटोकॉल्स तोड़े नहीं है। सो यस, आजकल कोविड चल रहा है तो हमें एक नई चीज़ मिली, घर से बाहर निकलने का मौका मिला, यहाँ पे आए, देन हमने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, लाइक सैनिटाइज़ किया खुद को हर वक्त, और मास्क लगाए थे सबने, जो खाना दे रहे थे उन्होंने भी मास्क लगाए थे, डिस्टेंस जहाँ पे मेंटेन करना था हमने वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया, रूम्स में भी टू गर्ल्स अलाउ थी तो उनको भी उसमें भी डिस्टेंसिंग था हमारे में, तो फिर अच्छा लगा हमें कि नहीं कोरोना चल रहा है तो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो यहाँ पे आके हमें कुछ एक्टिविटीज़ मिली, कुछ अलग मिला हमें करने के लिए। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद, देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज़ चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।